अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने का सैलन। एक टेबलस्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, उसको पैन में डालें। उसमें 1 टीस्पून आप जो कलौंजी के बीज होते हैं वो डालें। थोड़ा सा उनको आप पकाएं। जब थोड़े से वो इस तरह से रोस्ट होने लग जाए तो उसके बाद एक अदद गाजर, उसको मैंने श्रेड किया होता है, वो उसमें डालें। और 1/4 शिमला मिर्च का पार्ट या 1/4 कप आप शिमला मिर्च इसमें ऐड करें और इसको थोड़ी सी उसकी बुनाई करें। उसके बाद 1 कप मैंने इसमें जो उबले हुए चने हैं, वाइट भी आप ले सकते हैं और ब्लैक भी ले सकते हैं, वह इसमें शामिल करें और इनको मिक्स करें इस तरह से, ताकि जो गाजरें हैं थोड़ी सी वो पक जाए। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैंने डाल लिया। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। ये डाल के अच्छे से मिक्स करें ताकि ये जो मसाला ज़्यादा थोड़े से प्रॉपर मिक्स हो जाए। उसके बाद चूल्हा आप यहाँ पे ऑफ़ कर दें और इस तरह से 1/4 कप जो सेलरी है वो मैंने काट के इसमें शामिल किया है। गार्निश करें इसको आप धनिया के साथ। तो इस तरह से आपका जो सैलड है ये तैयार है। आप इसको डिनर में यूज़ कर सकते हैं फैट लॉस के लिए।